الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله مولانا العظيم قابل قدر بزرگوں دوستوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گزشتہ تمام بڑی تفصیل سے زکات کے معنی اور اس کی فضیلت آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی گئی تھی اور اسے بار بار دہرانے کا وقت ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے کیونکہ مالداروں کا ایک بڑا طبقہ رمضان المبارک میں زکات ادا کرتا ہے اس لیے مذاکرے کے طور پر اسے ہر سال دہرایا جاتا ہے تاکہ یہ مضمون ہمارے ذہنوں میں تازہ رہے جب کسی مضمون کا مذاکرہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس میں چھوڑ پیدا ہو جاتا ہے اور پھر اس کی تفصیلات ذہن سے نکل جاتی ہیں اور پھر وہ مضمون پوشیدہ ہو جاتا ہے
नजरों से ओझल नहीं होना चाहिए। यही वो हकीकत है जिसको नजरअंदाज कर देने की वजह से या भुला देने की वजह से आदमी बहुत सारी बुराइयों में मुबतला हो जाता है। कुरान मजीद ने ये जगह कहा, वमान पत्र में शय पर हुआ युफलीफ हो, सकात देने का नफा अल्लाह ताला कहते हैं वो मुझे कुछ नहीं मिलता, बल्कि तुम्हारी किसी इबादत की ना मुझे जरूरत है और ना उसका मुझे कोई नफा है। जरूरत आप ही को है, जरूरत बंदों को नमाज पढ़ने की जरूरत इंसान को है, हर बंदे को है। सकात देने की जरूरत इंसान ही को है, खुदा को नहीं है। रोजा रखने की, हज करने की जरूरत इंसानों को है, अल्लाह ताला इसके मोहताज नहीं है। इसका नफा हमारी ही तरफ लौटता है। 22वें पारे में एक जगह अल्लाह ताला ने कहा, तुम जो ये मांग खर्च करते हो ना, फिर हुआ युफलिहु, अल्लाह ताला इसका बदला देंगे। ये अल्लाह ताला का वादा है और अल्लाह ताला वादे के खिलाफ नहीं फरमाते। आखिरत में जो देना है वो तो देंगे, लेकिन मुफस्सिरीन को अल्लाह ताला पूरी उम्मत की तरफ से जज़ाए खैर दे। उन्होंने इसके तहत में लिखा है कि यहां जिस बदला बदले का जिक्र है वो दुनिया में दिए जाने वाले बदले का जिक्र है, आखिरत में जो मिला वो मिलेगा उसका जिक्र नहीं है। यहां यहां अल्लाह ताला ज़कात का जो नफा और जो बदला दुनिया में देना देंगे उसका जिक्र है। अल्लाह कहते हैं ज़कात का बदला हम दुनिया में ही देंगे। और जैसा कि गुज़िश्ता जुमा बात आई कि जो ज़कात दे दिया जाता अल्लाह की राह में दे दी जाती है, कहते हैं अल्लाह ताला उसको महफूज फरमा देते हैं आफतों से, मुसीबतों से, बलाओं से, उसका माल जाया नहीं होता, उसका माल जल करके चाहे वो खत्म नहीं हो जाता, किसी बला का शिकार नहीं होगा। वो सब बातें गुज़िश्ता जुमा आ चुकी है। एक हदीस में ये भी है कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ग़ालिबन हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके रावी हैं, कहते हैं कि मतलब यूसुफ की फला फला कला, जो आदमी ज़कात नहीं देता वो नमाजी है, नमाज पढ़ता पांच वक्त की, खूब पाबंद है नमाज का, लेकिन हुजूर फरमाते हैं उसको नमाज पढ़ने का अजर सवाब नहीं मिलेगा ज़कात नहीं देने की वजह से। नमाज पढ़ेगा तो उसके कंधों से बोझ तो उतर जाएगा, जिम्मा साबित हो जाएगा, लेकिन नमाज पढ़ने का जो अजर सवाब है, नमाज पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला का जो खुद नसीब होता है और अल्लाह के नसीब होता है बंदा, और नमाज का जो नफा रूह पर मुअत्तर होता है कि उसके अंदर बंदगी पैदा होती है, नियाजमंदी पैदा होती है, नमाज अपना असर नहीं दिखाती अगर ज़कात नहीं अदा करेंगे। ऐसे गुनाह होते हैं जिसकी वजह से इबादतों के असरात खत्म हो जाते हैं। कुरान मजीद ने यह जगह कहा कि वला यहसबन्नल्लज़ीना युबख़लूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, कहा कि अल्लाह ताला ने महज अपने फजल से, आपने अल्लाह को कोई कर्ज तो नहीं दिया था, अल्लाह ने अपने फजल से हमको माल दिया, क्योंकि अल्लाह ने अपने फजल से जो माल दिया है उसको बचा कर वो मदरसे को, ना मस्जिद को, ना यतीमों को, गरीबों को, ना रिश्तेदारों को, ना पड़ोसियों को, ना अपने नौकरों चाकरों को, ना बेवाओं को, ना यतीमों को, किसी को नहीं। और देखकर के ये समझ रहा है कि मैंने बहुत अकलमंदी का काम किया, पैसा बचा लिया मैंने, बच गया मैं मदरसे वालों से, बच गया मैं सफीरों से, बच गया मैं मदरसों के खिदमत करने वालों से, बच गया मैं गरीबों से, बेवाओं से बच गया, चुप चुप कर घूम रहा, हाथ ही को नहीं मिलता।
सुंदर है, ये नहीं कहता कि ये सुंदर है। मैं ये जरूर कहूंगा कि चंदा करना सरकार है तो आलम
उनकी हिफाजत दिल में नहीं आनी चाहिए। बाद में मस्जिद के लोग ऐसा आते हैं कि ऐसे कि उनके बाद लोग ऐसा मस्जिद को आते हैं उनको कोई परवाह नहीं है चंदा देने की, उनका इरादा ही नहीं है। उन्होंने ये तय कर रखा है कोई कुछ भी कहे, कोई कितना भी समझाए, कोई इसलिए उनका उसूल यह था कि जब गरीब गरीब
नियत में खोट जो नियत की बहुत बरकतें होते हैं बुजुर्गों और बहुत बरकतें होती है। नियत नजर तो नहीं आती लेकिन सारी हुकूमत नियत ही करती है। देखते हैं ये भी नमाज पढ़ रहा है वो भी नमाज पढ़ रहा है, ये भी ज़कात दे रहा है वो भी ज़कात दे रहा है, लेकिन दोनों के दिल की हालत में जमीन आसमान का फर्क है। हमें बहुत दूर नहीं जाता और बहुत जो है लंबी बात करने का भी मौका नहीं है। मैं गुज़िश्ता जुमा आपको मैंने ये कहा था थोड़े मसाइल बयान करेंगे, बहुत साल हो गए। देखो ज़कात जो है ये इबादत है और इबादत मुसलमान पर फर्ज होती है, इसलिए ज़कात मुसलमान पर फर्ज है। काफिर को कोई ईमान की दावत दी जाएगी और जो ईमान कबूल कर चुका है और साहिब निसाब है उसको कहा जाएगा कि भाई ज़कात दो। दूसरा आजाद चाहिए गुलाम पर ज़कात नहीं। और तीसरा अकल चाहिए, अकल ये आदमी करोड़पति है लेकिन है पागल उस पर ज़कात नहीं। और ये आदमी है करोड़पति बाप का इंतकाल हो गया, नाबालिग बच्चा है 10 साल का, करोड़ों का मालिक है, बाप ने इतनी जायदाद छोड़ी है गिनने में ही नहीं आती, है नाबालिग उस पर ज़कात नहीं। और उसके बाद जो है चाहिए। बड़े बड़े लोग जमीन की ज़कात देने से ग़ाफ़िल हैं।
गई। अब बाद लोग ऐसी अजीब और गरीब शक्ल बनाते हैं कि भाई जब साल पूरा होने को आए मेरा माल बीवी को दे दो, उस पर साल गुजरना जरूरी है। अभी साल पूरा नहीं हुआ उससे पहले शोहर को दे दो। इसी तरह तमाशा करते रहो, किसी पर जकात नहीं आती। ये तो दर हकीकत गरीबों को भी धोखा देना है और अल्लाह को तो क्या धोखा देगा। समझ जाएगा मैंने अल्लाह को धोखा दिया है, अल्लाह को कौन धोखा दे सकता है। हाँ, अगर मालदारी गरीबी में बदल जाए तो सारी मस्ती नाक के रास्ते से निकल जाए। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। और इसी तरह जो पैसे बैंकों में रखे हुए हैं डिपॉजिट है अपनी तरफ से, उन पर ज़कात है। ये एक आदमी ने हज की नियत की, हज को उसने हज के लिए पैसे जमा किए, उसका नाम ही नहीं आया और उससे पहले पहले जो है एक साल पूरा हो गया। तो वो तो हज के लिए रकम जमा किया है, वो रकम अगर जो है वो कमेटी को दे दिया हज कमेटी को, अब उस पर ज़कात नहीं। या नहीं तो जो प्राइवेट लेकर जाते हैं उनके हवाले कर दिया और टिकट बुक करा दी, उस पर ज़कात नहीं। पैसा अपने पास है, हज की नीयत है तो उस पैसे पर ज़कात है। बेटे की शादी करने के लिए पैसे जमा किए थे, अभी रिश्ता तय नहीं हुआ, रिश्ता तय तो हुआ 3 माह के बाद निकाह होगा, पैसे पास है तो उन पैसों पर ज़कात है। मकान बनाने के लिए, अपने लिए, बेटी के लिए, दामाद के लिए, बेटे के लिए, घर बनाने के लिए पैसा थोड़े थोड़े जमा किए थे, वो पैसा है तो घर बना दिया तो उस घर पर ज़कात नहीं है। घर बनाने से पहले जो पैसे है उस पर ज़कात है। ये आदमी ने प्लाट खरीदा है, प्लाट खरीदा दो अलग अलग है, प्लाट सही को कहते हैं, फ्लैट जो अपार्टमेंट्स में फ्लैट होते हैं वो खरीदा और तिजारत की नीयत से खरीदा। लेता है देता, एक तो रियल स्टेट का व्यापारी है, कहते हैं उसको अपने तमाम सैकड़ों की रकम की ज़कात अदा करना है। और ये किया है कि मैंने अपने लिए लिया है, बेटे के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए, दामाद के लिए लिया है तो उस पर ज़कात नहीं है। उसी तरह तिजारत के लिए जो तो जमीन सही या घर लिया है, लेता है देता है लेता है देता है नफा कमाता है तो उसको उसकी पूरी मालियत पर ज़कात वाजिब होती है। ये जो मशीनरीज है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं उस पे जो मशीनें होती हैं वो करोड़ों की होती हैं, उन मशीनों पर ज़कात वाजिब नहीं होती। और इसी तरह ये सिलाई की मशीनें टेलरों के पास होती हैं उन पर ज़कात नहीं आती। और ज़कात जो आती है वो बकदरे निसाब माल पर आती है। निसाब क्या है? किसी के पास 80 पर 7 ग्राम सोना हो, 80 पर 7 ग्राम सोना, 9 तोले से थोड़ा का, 10 ग्राम का 1 तोला होता है, इसी तरह 612 ग्राम या तो सोना हो या चांदी हो, चांदी 612 ग्राम, 60 पर 2 तोले चांदी हो, अच्छा ना 60 पर 2 तोले चांदी है ना 80 पर 7 ग्राम सोना है, 5 ग्राम 5 तोले सोना है यानी 50 ग्राम और 300 ग्राम चांदी है। ये थोड़ा सोना थोड़ा चांदी थोड़ा है तो ये सोने को चांदी की तरफ बदल दो, चांदी की तरफ बदल दो तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। और इसी तरह किसी के पास सोना भी नहीं चांदी भी नहीं है लेकिन 60 पर 2 तोले चांदी की जो कीमत बनती है इतना कैश उसके पास मौजूद है उस पर ज़कात फ़र्ज़ है और उस पर ज़कात लेना जायज़ नहीं, सबसे फितर किस पर वाजिब है। और ऐसा होता है बात बताओ कि एक आदमी माल का मालिक तो है लेकिन वह माल उसके पास नहीं है, गिरवी रखा हुआ है, उस पर ज़कात नहीं। और इसी तरह जो ये एडवांस की रकम होती है, एडवांस की रकम ये जरूरत में मसरूफ होने की वजह से उस पर ज़कात नहीं। ये माटी गैस का मसला बिल्कुल अलग है, माटी गैस एडवांस नहीं है, ये माटी गैस कर्ज है, कर्ज देख
फिर कभी तफसील से आप मालूम कर लीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि एडवांस की रकम पर ज़कात नहीं है, लेकिन ये जो बाकी की लिस्ट के लिए जो रकम दी जाती है उस पर ज़कात है। और इसी तरह ये पीएफ है, पीएफ पीएफ दो किस्म के होते हैं। ये तो खुद कंपनी या हुकूमत, जो हुकूमत का मुलाजिम है वो काटती है, उसमें एम्प्लॉई का कोई इख्तियार नहीं होता, वो खुद काटती है, उसको जब देना है वो देती है, उस पे वो पैसे वसूल होने के बाद ज़कात है। और ये पीएफ होता है, आदमी खुद कटाता है अपनी तनख्वाह से, ताकि घर आएगा पैसा पूरा खत्म हो जाएगा, इसलिए खुद जो कटाता है उस रकम पर ज़कात है। इसकी यही आता है, या कोई कंपनी के लोग हम तो मेरी बात को समझेंगे, ये बॉन्ड्स है, इसी तरह सेविंग सर्टिफिकेट है, फाइनेंशियल सर्टिफिकेट्स है, मेरी बात को वो लोग समझ रहे जो जो ये अपार्टमेंट वगैरह बनाते हैं या कंपनियों में काम करते हैं, इन सब पर ज़कात है। शेयर्स होल्डर्स होते हैं, जो मार्केट शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू होती है उस पर ज़कात है, उस पर ज़कात है। और माल आने के बाद एक साल का गुजरना जरूरी है, एक साल के गुजरने का मतलब सुन लीजिए जरा, एक साल का गुजरने का मतलब यह है कि आज मैं 35-40 या 45-50 हजार रुपए का मालिक हुआ, आज मैं मालिक हुआ इसका, उसके बाद चलता रहा चलता रहा, दरमियान में माल आता रहा जाता रहा, कुछ आता भी है कुछ जाता भी है, तो ये 50,000 रुपए का मालिक होकर इस पर एक साल गुजरना जरूरी है। ये 50,000 से ज्यादा जो माल आता है उस पर साल गुजरना जरूरी नहीं, वो इन 50,000 के साथ ऐड होगा, वो इसके साथ मिल जाएगा। हर आने वाले माल पर साल गुजरना जरूरी नहीं है, बकजरे निसाब माल पर साल गुजरना जरूरी है। और दूसरा सकात नियत करके देंगे, ये नियत ये करेंगे कि मैं सकात दे रहा हूं, देते वक्त करे या अलग करते वक्त नियत कर ले, पहले दे दिया बाद में नियत कर रहा है, सकात नहीं अदा होगी। और दूसरी अल्लाह को राजी करने के लिए नियत करे जहां तक बचा। उन्होंने अजीब बात लिखी है, ये लिखी है कि सकात देने वाले को तो नियत करना जरूरी है, जिसको दे रहा है उसको नियत करना उसको बताना जरूरी नहीं है, सामने वाले की इज्जत है उसका इस्लाम को कितना ख्याल है। सामने वाले को आप ईद ही बोलकर दे दीजिए, तोहफा रमजान का हदिया बोलकर दे दीजिए, आपका काम बन गया और उसकी जरूरत पूरी होगी और उसकी इज्जत बच गई। हिसाब लगा करके दे, बहुत तबका ऐसा है जो ज़कात नहीं देता, वो बड़े घाटे में है, वो बहुत कांटे हो रहा है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, और जो तबका ज़कात देता है हिसाब लगा कर नहीं देता। मैंने गिना दिया है किन किन का हिसाब करना है, वो मैंने बता दिया। और जो सोना चांदी है किसी के पास, वो जाकर के तुला ले दुकान में, और आज की कीमत लगा है, जो खरीदा था 10 साल पहले उसकी नहीं, आज जो अदा कर रहा है उसका, और देना कितना है 1,00,000 रुपए, तो 2,500 देना क्या मुश्किल है, 1,000 को 25 रुपए, 100 का 2,500 रुपया, 2,500 रुपये में तो इसके लिए भी नहीं आता, 1,000 को 25 रुपए, 1,00,000 रुपए में 2,500 रुपए। अगर अल्लाह ये कहते कि भाई 50 तेरे 50 मेरे, तो क्या क्या खुशबू क्या था अल्लाह का, कर्म है कमाल है शफ़क़त है अल्लाह की, अल्लाह ने बंदों की कमजोरी पर रहम फरमाया है, और ये कहा कि भाई 2,500 रुपया दे दो, अगर कोई वो भी नहीं देता बताओ कितना कमीना है, इसे क्या कहेंगे बताओ, मैंने दिया और मैं पूछता हूं तो फिर आंख लाख दिखाता है, आंख दिखाता, और फिर रकम देना पैसे कैश देना, बाद में कपड़े लाकर तकसीम करते हैं, राशन लाकर करो, मैं भी मना नहीं करता, कोई नाजायज नहीं है, मैं मसला बयान कर रहा हूं कि पैसे देना अफजल है, क्यों, सामने पैसे से हर जरूरत पूरी होती है। और दूसरी बात यह है कि
मालूम नहीं सामने वाले की जरूरत क्या है, तुम लेकर हर आदमी ले जाकर के राशन दे रहा है, हर आदमी ले जाकर के कपड़े दे रहा है, लेकिन बेचारे के पास घर के किराया देने के लिए पैसे नहीं। अभी अभी जून में स्कूल खुलेंगे, एडमिशन के लिए फीस पैसे नहीं, और घर कपड़ों से भर गया है, और घर जो है वह राशन से भर गया है। राशन ले जाकर के स्कूल वालों को दे दो, और वो शिकायत देने वालों ने राशन भी दिया। और जिनको देंगे मालिक बना करके देंगे। ये आदमी को मैंने कर्ज दिया था, वो कंगाल हो गया, कर्ज नहीं दे सकता। लोग क्या करते हैं, इतना कर्ज माइनस कर लेते हैं, ज़कात में नहीं माइनस होता। उसकी एक शक्ल ये है, उससे कर्ज का मुकाबला करो जो इंसानियत से। भाई वो मेरा पैसा तो दे, जब मैं तुम्हारे काम आया था, वो कहेगा मेरे पास तो पैसा नहीं, कुछ पैसा नहीं, तो उससे अल्लाह की तौफीक अता फरमाए। ये मुख्तसर बातें 3-4 मिनट ज्यादा